जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के दिसंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वाले लोगों के दिसंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सिंह राशि वाले जो लोग होते हैं वो प्रेम संबंध में काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं। अपने साथी के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। ये लोग अपने साथी को उसकी पसंद का हर काम करने की आज़ादी भी देते हैं। लेकिन अगर इनका प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी इनके विश्वास को तोड़ता है तो हो सकता है कि ये सारे संबंध अपने साथी से समाप्त कर दें। जिससे भी प्रेम करते हैं, दिल की गहराई से प्रेम करते हैं, आप ऐसा प्रेमी या प्रेमिका पसंद करते हैं जो आपकी स्वतंत्रता में बाधा ना हो, नहीं तो आपका फिर तालमेल बनना मुश्किल होता है। प्रेम के मामले में जल्दी प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन ये सच्चे प्रेम में यकीन रखते हैं। ये चाहे प्रेमी प्रेमिका हो या जीवन साथी हो, ज्यादातर धोखा देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन कई बार इनका स्वभाव शक्की बहुत हो जाता है। अपने साथी पर शक कर सकते हैं, फिर भी प्रेम सच्चा करते हैं, इसलिए अपने साथी के बगैर नहीं रह पाते, अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले होते हैं। चलिए प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव में धनु राशि है, स्वामी गुरुदेव है, जिनका गोचर नवम भाव में मेष राशि में पूरे महीने बना रहेगा, और वहां से उनकी नवम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए सिंह राशि वाले लोगों के लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य धनु राशि में 16 दिसंबर से गोचर में आएंगे। इससे पहले उनका गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा, तो प्रेम संबंधों के लिए बेहतर महीना रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में कुंभ राशि, शनिदेव गोचर में सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे, पूरे महीने यहीं पर करेंगे। बुध का गोचर अगर हम देखें तो धनु राशि में ही बुध का गोचर भी रहेगा, 28 दिसंबर से वो वृश्चिक में जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे दिसंबर के महीने में। आप अगर सिंगल हैं, किसी प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं, किसी से मित्रता चल रही है और आप उसे प्रस्ताव देना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, बेहतर समय है, आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। पूरा महीना बेहतर है, लेकिन 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का समय ज्यादा बेहतर है। बस आपको अपने अहम पर नियंत्रण रखना होगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा, और प्रेम संबंधों में अगर कोई मतभेद चल रहे हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं तो दिसंबर का महीना बेहतर है, आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को मनाना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, वहां पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, आपको सफलता मिल सकती है और आप अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने की बात कर सकते हैं। शुक्रदेव जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, दसम भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर भी दिसंबर के महीने में आपको बेहतर परिणाम दे रहा है, क्योंकि 25 दिसंबर को वो वृश्चिक में जाएंगे। इससे पहले वो तीसरे भाव तुला राशि में ही रहेंगे। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से देखें तो ये महीना काफी बेहतर रहने वाला है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी और प्रेम संबंधों में रोमांस भी देखने को मिलेगा और साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी। और अगर आपके साथी की राशि सिंह राशि धनु राशि या मेष राशि है तो आप देखेंगे और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में कुंभ राशि, स्वामी शनि सप्तम भाव में ही गोचर, सप्तमेश का गोचर सप्तम भाव में, वैवाहिक संबंधों में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको वैवाहिक संबंधों में ईमानदारी बहुत रखनी होगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो परिणाम अच्छे नहीं मिल पाएंगे, और अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार हैं तो पूरा महीना बेहतर रहेगा, आप देखेंगे वैवाहिक संबंधों में भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी, भरोसा भी बढ़ेगा, वैवाहिक संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। अगर किसी भी प्रकार के कोई भी मतभेद वैवाहिक संबंधों में चल रहे हैं तो दिसंबर के महीने में प्रयास करें, वो आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में गलतफहमियां हो सकती हैं, वहां पर बाड़ी पर संयम अवश्य रखें, इस बात का ध्यान रखें।
अविवाहित लोगों के लिए भी दिसंबर का महीना बेहतर है। अगर आपकी कहीं पर कोई रिश्ते की बात चल रही है, आप प्रयास करें, बातचीत बन सकती है। अगर आपको रिश्ता पसंद है और जो लोग शादी योग्य हैं, चाहते हैं कि जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए, उनकी ये तलाश भी पूरी हो सकती है। तो प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना बेहतर परिणाम दिखाने वाला है। उपाय की बात करें तो रोजाना आप सुबह नहा धोकर तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, ये बहुत अच्छा उपाय है। पूरे महीने करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के दिसंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये सिंह राशि वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।